नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्राजक्ता। फंडोरा चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम विजिट करने जा रहे हैं येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो कि अमेरिका का ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है। यह एक बहुत ही बड़ा और ब्यूटीफुल नेशनल पार्क है और इसमें है एक जागरूक ज्वालामुखी। इस वीडियो में आपको वोल्केनो का हाइड्रोथर्मल इरप्शन भी देखने को मिलेगा। तो ये जागरूक ज्वालामुखी करीब से देखने के लिए आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। डेनवर से निकलकर 7-8 घंटे ड्राइव कर हमने जैसे ही वायोमिंग स्टेट में एंटर किया, हमें ये ट्विन रेनबोज देखने मिले। रात में होटल पे आराम करके हम सुबह जल्दी ही 5 बजे से पहले निकल चुके हैं। यहाँ पे समर में 5 बजे से पहले ही सूर्योदय हो जाता है। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये सूर्योदय। समर में येलोस्टोन नेशनल पार्क में बहुत ही ज्यादा विजिटर्स रहते हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क विजिट करने के लिए फिलहाल तो कोई प्री और बुकिंग नहीं चाहिए। 2021 का ये मोस्ट विजिटेड नेशनल पार्क है। ये है ब्यूटीफुल येलोस्टोन लेक। यहाँ आप कायाकिंग या फिर बोटिंग कर सकते हैं। ऊपर से शांत और सुंदर दिखने वाला ये लेक के नीचे भी बहुत सारी जियोथर्मल एक्टिविटीज होती रहती है, जो कि काफी खतरनाक है। येलोस्टोन नेशनल पार्क में आपको नॉर्थ अमेरिका के बहुत सारे वन्य प्राणियों की प्रजाति देखने मिलेंगे। ये है अमेरिकन बाइसन। गाय जैसे दिखने वाले ये प्राणी बहुत ही गुस्सेल होते हैं। अब हम आए हैं कैनन विलेज एरिया में, जहां से हम एक छोटी हाइक करके देखने जाएंगे दो ब्यूटीफुल वाटरफॉल। ये ऊंचाई से गिरते हुए झरने जब हम सूर्योदय के टाइम पे आते हैं तो सूर्योदय की उस ऑरेंज लाइट में बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखते हैं। अभी हम हैं अंकल टॉम्स ट्रेल हेड पे, जहां से हमें ये पावरफुल वाटरफॉल दिख रहा है। ये वाटरफॉल बना हुआ है येलोस्टोन रिवर पे। लोअर फॉल, अपर फॉल से थोड़ा आगे जाते ही आपको देखने मिलता है और एक बड़ा सा वाटरफॉल जिसे लोअर फॉल कहते हैं। यहाँ बैठ के उस ऊंचाई से गिरने वाले पानी को देखना और उसकी आवाज सुनना सच में बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है। ये लगभग 300 फीट की ऊंचाई से नीचे इस कैनन में गिर रहा है। इसकी हाइट नाइगरा फॉल से भी दुगनी है। ऊंचाई से गिरने से उड़ने वाले पानी के तुषारों से कैनन में एक छोटा सा इंद्रधनुष बना है। आर्टिस्ट पॉइंट, इन्हीं दो झरनों से थोड़ा सा आगे जाते ही आप पहुंच जाते हैं आर्टिस्ट पॉइंट पे, जहाँ से आपको इस खाई का ये सुंदर नजारा देखने को मिलता है। ऊंचाई से गिरता हुआ झरना और खाई से अपना रास्ता बनाती हुई ब्यूटीफुल येलोस्टोन रिवर। अभी हम जो ज्वालामुखी देखने वाले हैं, उसका नाम है ड्रैगन्स माउथ। आजू बाजू की जमीन पर भी आप उबलता हुआ पानी देख सकते हो। यहाँ पे बहुत तेज सल्फर की स्मेल आ रही है। यहाँ पे इस गुफा में पानी उबल रहा है और उससे डरावनी आवाजें भी आ रही हैं। आप देख सकते हो, आपको भाप दिखाई दे रही होगी। इसके साइड में ही है ये मर वोल्केनो। इस वोल्केनो के एकदम पास में जाके बैठा है बाइसन। ये मड पॉट में आप देख सकते हैं कि कीचड़ उबल रहा है। इसके आजू बाजू में भी ऐसे ही 2-3 मड पॉट है। और अब हम आए हैं वेस्ट थम में, जहां हम देखेंगे बहुत सारे उबलते हुए पॉट्स। इस पूरी जमीन के नीचे जो मैग्मा चेंबर्स है उससे मिलने वाली हीट से यहाँ का पानी उबलता रहता है। आप देख सकते हैं इस ब्लैक पूल के पास में ही जो झील है फ्रेश वाटर की, वो कितनी शांत है। बट इस पूल का पानी जोरों से उबल रहा है, क्योंकि इस पूल का नीचे का छोर कहीं ना कहीं उस मैग्मा चेंबर से जुड़ा हुआ है।
मिडवे गीजर जो कि येलोस्टोन के मेन प्रिज्मेटिक स्प्रिंग गीजर के साइड में ही है। ये सबसे गहरा गीजर माना जाता है और इसका टेम्परेचर 124 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। वहां से 2 मिनट की दूरी पर ही है येलोस्टोन का मोस्ट ब्यूटीफुल कलरफुल ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग्स। ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग्स के इस व्यू के लिए आपको ऑलमोस्ट 0.5 माइल की एक छोटी सी ओवरव्यू ट्रेल हाइक करनी होगी। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है ये नजारा, मानो कि हम किसी और ही प्लेनेट पे हो। बट ये जितना सुंदर दिखता है उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि ये बसा हुआ है एक बड़े से मैग्मा चेंबर पे। येलोस्टोन ज्वालामुखी को ही सुपर वोल्केनो कहा जाता है, जो कि एक ऐसा ज्वालामुखी है जो अगर इरप्ट हुआ तो उससे 1000 क्यूबिक किलोमीटर तक का लावा बाहर आ सकता है। येलोस्टोन की जमीन के नीचे बहुत बड़ा मैग्मा चेंबर है जो कि सरफेस से सिर्फ 3 से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। ये ज्वालामुखी हिस्ट्री में 3 बार इरप्ट हो चुका है। लास्ट इरप्शन इसका 664,000 ईयर्स पहले हुआ था, पर ये अभी भी जागरूक ज्वालामुखी कहलाता है। जमीन के नीचे मैग्मा मूवमेंट से इस एरिया में बहुत सारे भूकंप होते रहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये ज्वालामुखी अगले आने वाले नजदीकी भविष्य में इरप्ट होने के कोई संकेत नहीं है, पर अगर कभी ये वोल्केनो इरप्ट हुआ तो वायोमिंग, मोंटाना, इदाहो, कोलोराडो जैसे नॉर्थ अमेरिका के बहुत सारे राज्य 3 फीट वोल्केनिक ऐश के नीचे दब जाएंगे। इतनी बड़ी तबाही करने की कैपेसिटी इस वोल्केनो में है। अब हम आए हैं ओल्ड फेथफुल गीजर के पास। येलोस्टोन का यह सबसे पुराना और भरोसेमंद गीजर है। यहाँ पर हर 60-90 मिनट्स में एक इरप्शन आपको देखने मिलता है। इस इरप्शन के टाइम्स आपको विजिटर सेंटर के बाहर लगाए हुए मिलेंगे या फिर इनके वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हो। अगर इरप्शन के टाइम पे आप यहाँ पे हो तो आपको वोल्केनो इरप्शन एकदम पास से देखने मिलता है। यहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा छोटे मोटे गीजर से आप ही देख सकते हैं जमीन से कितनी जगहों से आपको भाप दिखाई दे रही है। चलने के लिए यहाँ भी ट्रेल्स बनाई गई हैं, उसी पर से आपको चलना है। रिवर साइड गीजर का इरप्शन अभी 8:30 बजे होने वाला है, तो तब तक हम ये लूप पूरा कर लेते हैं। तो ये है रिवर साइड गीजर, इसका इरप्शन स्टार्ट हो चुका है। 8:30 बज गए हैं, आप देख सकते हैं कितना ऊंचा पानी और भाप उड़ रहा है। यहाँ 180 फीट तक ये ऊंचा जाता है। येलोस्टोन नेशनल पार्क में ये हाइड्रोथर्मल इरप्शंस देखना और जमीन से आने वाली डरावनी आवाजें सुनना और उसी के साथ जमीन में जो हलचल होती है उसे महसूस करना सच में एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। वहां पे और एक इरप्शन हो रहा है बट वो दूर है तो हम वहां नहीं जाएंगे। अब हम आए हैं मॉर्निंग ग्लोरी पूल के पास। ये भी एक सुंदर कलरफुल पूल है जो कि मैग्मा चेंबर से जुड़ा हुआ है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करते टाइम पास वाला बेल आइकन दबाना ना भूलिए, इससे आपको चैनल के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल फंडोरा।